हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड टुडे इन दिस वीडियो वी सोल्व एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, और आपको यहां पर इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है और बताना है कि ये इक्वेशन फॉर्म करके कि ये डिजाइन पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो चलिए हम इससे पहले इनका कंडीशन का यूज करते हुए हम यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले इसमें लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो एक्स मीटर है और यहां पर क्या है हमारी वाई मीटर है, और आगे आपको यहां पर अब कर लेते हैं एज पर कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है हम यहां पर उसको अप्लाई करते हैं। देखो कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल क्या है एक्स मीटर है, बी क्या है ब्रेथ वाई है, इज इक्वल टू क्या है 80 है। अब 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब सेकेंड जो कंडीशन है कि एरिया 400 है, तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो L क्या है x y इज इक्वल टू 400। यहां पर हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से वैल्यू को इधर प्लेस कर दो, कौन सी किसको कर देंगे हम y को। ओके, y इज इक्वल टू निकाल लेंगे 40 माइनस x, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस x, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 एक्स वाई। तो यहां पर हमारे पास है एक्स वाई के प्लेस पे लिख लेंगे 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 400। यहीं पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स इंटू 40 क्या हो जाएगा 40x, और एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, 400 को इधर शिफ्ट कर दिया और इज इक्वल टू यहां पे 0 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको साइन चेंज कर दो। ओके, साइन चेंज करेंगे और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम स्टार्टिंग में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है वो स्टार्टिंग में होती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन हो जाएगा, इसको कर देंगे माइनस साइन माइनस 40x, और ये भी हो जाएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां से निकालना है ए बी और सी। हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 40 एंड सी इज इक्वल टू 14। अब यहां से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे और देखते हैं वो क्या आती है। ओके, रूट्स पॉसिबल है या नहीं, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपका 1 है और सी क्या है 400 है, कितना हो जाएगा 1600 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 1600। अब 1600 कैंसिल हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू आ गया आपका 0। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स, इस इक्वेशन के इक्वल रियल रूट्स हैं। ओके, अब हम यहां पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की, ठीक है ना, इस इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं।
या तो आप इसको निकाल लो आइडेंटिटी की हेल्प से, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है देखो ये वाली जो थी ना, ये वाली एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है ये, फिर ये बी स्क्वायर है और ये माइनस टू ए बी है, तो आइडेंटिटी का इसमें यूज कर लो, नहीं तो फिर इसको आप निकाल लो अपना सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए, ओके, क्योंकि यहां पर जो हमारा ये फॉर्मूला होता है क्या होता है, बी सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होता है। तो यहां पर ये तो हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो, ये ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका यहां पर क्या आ गया, जीरो आ गया, ओके, तो ये जीरो हो गया तो बचा गया माइनस बी अपॉन टू ए, तो मैंने यहां पर ये कर दिया माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी आपका कितना है माइनस, और बी है माइनस फोर्टी अपॉन टू इंटू ए क्या है वन है, तो ये कितना हो गया आपका यहां पर 40 अपॉन टू, तो ये आ गया आपका यहां पे 20, 20, ओके। अब यहां पे लिख लो, सो लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर, ये होगी आपकी 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ आप निकाल लो अपनी इक्वेशन से, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, क्या थी उसमें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 था ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 था, तो यहां पर आप निकाल लो x की वैल्यू रख लो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो यहां पर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 40 माइनस 20 मीन्स y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 20 मीटर, ओके। तो ब्रेथ आ गई आपकी यहां पर, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, तो ये आ गई आपकी ब्रेथ, और ये आ गई यहां पर आपकी लेंथ। तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना। थैंक यू।